नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। ग्राम प्रहरियों ने अल्टीमेटम के साथ बैठे भूख हड़ताल, मांगे पूरी न होने तक चलेगा प्रदर्शन। जनपद सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट पर गांव व थाने पर ड्यूटी देने वाले ग्राम प्रहरियों में काफी रोष देखा जा रहा है। ग्राम प्रहरियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट पर जमे हुए हैं। वही उनका मांग है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती है, हम यह प्रदर्शन जारी रखेंगे। न्यूनतम वेतन, पुलिस सम्मान वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों प्रहरियों ने इसके पूर्व मांग पत्र शासन को प्रशासन के द्वारा भेजे जा चुके हैं। अब तक अनसुनी किया गया। अब भूख हड़ताल पर सैकड़ों प्रहरी महिला पुरुष सहित कर रहे हैं भूख हड़ताल प्रदर्शन। पीसी सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। क्या मांग को लेकर धरना प्रदर्शन? हम लोग कम से कम न्यूनतम वेतन के लिए, नहीं तो राज चतुर्श्रेणी का दर्जा नहीं मिले तो न्यूनतम वेतन हम लोगों को मिलना चाहिए। उसके साथों साथ बीमा भी चाहिए। और उसके बावजूद में भी वर्दी, पुलिस के सरीका हम लोगों की भी वर्दी मिलना चाहिए। थाने पे हम लोग 24 घंटा गांव में ड्यूटी करते हैं और थाने पे भी हफ्ते में 4 दिन बुलाया जाता है। हम लोग 300 दिन ड्यूटी करने के लिए तैनात है। हम लोग से 300 दिन ड्यूटी लिया जाए। हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम लोगों को कम से कम न्यूनतम वेतन, नहीं तो राज चतुर्श्रेणी का दर्जा दें, 30 दिन की हाजिरी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आज कलेक्ट्रेट परिसर में आप लोग धरना प्रदर्शन हैं, क्या मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों का मांग है योगी जी सरकार से, उत्तर प्रदेश शासन से, कि हम लोगों का चतुर्श्रेणी का दर्जा दिया जाए। और जब तक हम लोगों का चतुर्श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोगों का मानदेय 10,500 किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरा होती है तो आगे क्या? हम लोगों का मांगे नहीं पूर्ण हो रहा है। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पिछली बार हम लोगों ने दरखास्त दिया था सरकार के नाम से कि हम लोगों का मांग पूरा किया जाए। अगर हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए। जब तक हम लोगों का मांग पत्र नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे यही रहेंगे। तब तक नहीं हटेंगे जब तक पूरा नहीं होगा। और हम लोगों का अन्य भी मांग है, हम लोगों की वर्दी जो है हम लोगों के होमगार्ड की जैसी होनी चाहिए, जैसे होमगार्ड की वर्दी है। और 48 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए लगाया था जब हुए थे, वो 1,000 रुपया बढ़ाए, बकिया और पैसे की कोई पता नहीं है कहाँ है। और हम लोगों को जिले में 4 साल हो गया, न तो हम लोगों का कोई वर्दी मिला, न हम लोगों को बिल्ला मिला, न हम लोगों का कोई कागज मिला। सब लोग क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं है।